हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डूडस के पहले यूज के बारे में, और सिर्फ डूडस के पहले यूज के बारे में नहीं, इसके बाद जितने भी वीडियोस बनेंगे उसमें सब में डूडस के ही यूजेस होंगे। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें डूडस इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। शायद स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही डूडस यूज किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज में जहां पर डूडस का इस्तेमाल होता है, तो अब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें डूडस के ही पूरे यूजेस हैं। तो ये पहला वीडियो, इसमें अगर आप डूडस के सभी यूजेस सीखना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और सभी वीडियोस देखिएगा। पहला यूज, सब्जेक्ट डूडस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में तीन स्ट्रक्चर होते, जैसे पांच स्ट्रक्चर होते हैं उसमें तीन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच पैटर्न। ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें डूडस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहला स्ट्रक्चर, मैंने सिर्फ नेगेटिव लिया हुआ है, आप इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच पैटर्न अपनी स्वेच्छा से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहला यूज है डूडस का, सब्जेक्ट डूडस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, मतलब तातीते आकर है, हुआ है, उसमें नहीं वाला। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, तुम खाना नहीं खाते हो, मैं उससे बात नहीं करता हूं, मैं उसको नहीं समझाता हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं, तुम खिड़की नहीं बंद करते हो, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर नहीं करता है, मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता हूं, तुम मेरा वीडियो नहीं देखते हो, तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं तुम्हें नहीं समझाता हूं, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है, मम्मी पापा को नहीं पीटती है, पापा नहीं रोते हैं, मैं यहां नहीं आता हूं, तुम वहां नहीं जाते हो। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हम डूडस का इस्तेमाल करते हैं, पीछे नॉट लगा हुआ। अब डूडस इस्तेमाल होता क्या है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है? गाइस, यहां पर लिखे हुए मैंने, अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल तो हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर तो हम लोग डस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आई यू वी दे या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो डू का इस्तेमाल होगा, ही शी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो डस का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं मतलब क्या होता है, आई, तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, डू, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। दोस्तों, आई एक्चुअल जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके काम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल वाले मिलेंगे, है ना। जैसे एक साधारण सा आदमी है लेकिन उसके काम बड़े डेंजरस हैं, सेम वैसी चीज आई के साथ है कि आई सिंगुलर है लेकिन उसके काम पूरे के पूरे प्लूरल वाले हैं। सिर्फ वाज, आई वाज अ डॉक्टर, यहां पर आई का यूज है सिंगुलर, है ना। सो आई का सिर्फ कुछ ही यूजेस ऐसे हैं जो सिंगुलर के रूप में होते हैं, बाकी सभी यूजेस प्लूरल के रूप में ही होते हैं, मतलब उसका नेचर प्लूरल की तरह व्यवहार करना है। आप देखिएगा दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट डूडस नॉट वी वन देन ऑब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई यू वी दे, है ना, और कोई भी प्लूरल नंबर, उनके साथ डू लगेगा। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट, तुम यहां नहीं आते हो, यू डू नॉट कम हियर, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वी डू नॉट सेलिब्रेट बर्थडे, वे डांस नहीं करते हैं, दे डू नॉट डांस, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू, टीचर हमें नहीं पढ़ाता है, तो टीचर डज नॉट टीच अस, राजीव सर यहां नहीं आते हैं, राजीव सर डज नॉट कम हियर, मैं क्लास नहीं लेता हूं, आई डू नॉट टेक क्लास, दीपेश सर वीडियोस नहीं बनाते हैं, दीपेश सर डज नॉट मेक वीडियोस, मैं आपको नहीं समझाता हूं, सो आई डू नॉट एक्सप्लेन यू, तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, यू के साथ डू नॉट, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर नहीं करता है, सो इलेक्ट्रिशियन डज नॉट रिपेयर फैन, मैं आपको गाली नहीं देता हूं, सो आई डू नॉट अब्यूज यू, तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते हो, सो यू डू नॉट रेस्पेक्ट मी, और ऐसे ढेरों सेंटेंस आप बना सकते हैं। गाइस, यहां पे बहुत सारे सेंटेंस मैंने लिखे हुए, इसको देखकर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे वह खाना नहीं खाता है, हम बाजार नहीं जाते हैं, वे हमसे बात नहीं करते हैं, मैं उसे नहीं डांटता हूं, वह खाना नहीं बनाती है, पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस ही यहां पर डूडस का इस्तेमाल होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर नहीं करता है, इलेक्ट्रिशियन डज नॉट रिपेयर फैन, मैं गाना नहीं गाता हूं, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, यू डू नॉट सपोर्ट मी, मैं उसे नहीं समझाता हूं, सो आई डू नॉट एक्सप्लेन हिम। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में तीन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले तो होता है नेगेटिव, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, क्योंकि तीन ही होते हैं तो ये पहला और दूसरा, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और फिर तीसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग डूडस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, WH, डूडस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये तीन स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल में जिसमें डूडस का इस्तेमाल होता है, पहले और आखिरी वाले स्ट्रक्चर में डूडस का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैंने इस वीडियो में समझाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिया है ऊपर वाला। अगर आप चाहें तो इनकी प्रैक्टिस कर करके देख सकते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, सो आई डू नॉट गो टू मार्केट, तो क्या मैं बाजार जाता हूं, सो डू आई गो टू मार्केट। जब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं तो डू या डस जो भी होगा वो आगे आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब
जॉब के रूप में होगा। क्या मैं बाजार जाता हूं? डू आई गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाता हूं? सो व्हाई डू आई गो टू मार्केट। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? जैसे तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो? व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो आप जितने सेंटेंस बना के देखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। कुछ सेंटेंस इसके बनाइए, कुछ सेंटेंस इसके बनाइए, कुछ सेंटेंस इसके बनाइए। तो यहां पर डूडस का इस्तेमाल है। जैसे मैं गाना नहीं गाता हूं, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह यहां नहीं आता है, ही डज नॉट कम हियर। मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, आई डू नॉट प्रैक्टिस। वह मुझे नहीं हंसाता है, ही डज नॉट मेक मी लाफ। ही डज नॉट मेक मी लाफ। मैं नहीं हंसता हूं, आई डू नॉट लाफ। मैं मेहनत नहीं करता हूं, आई डू नॉट वर्क हार्ड। तुम स्ट्रगल नहीं करते हो, यू डू नॉट स्ट्रगल। वैसे ही हम लोग इस इंट्रोगेटिव को भी देख सकते हैं। क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम मतलब होता है यू, यू के साथ लगता है डू। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ डू। डू यू गो टू मार्केट? क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं? डू आई टीच यू। क्या तुम फैन रिपेयर करते हो? डू यू रिपेयर फैन। क्या तुम पैसे कमाते हो? डू यू अर्न मनी। क्या तुम मेरी बातों को सुनते हो? डू यू लिसन माई पॉइंट्स। क्या तुम मैसेज भेजते हो? डू यू सेंड मैसेज। क्या राम रिप्लाई करता है? डज राम रिप्लाई। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें सपोर्ट करते हैं? डज योर फादर सपोर्ट यू। क्या तुम प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस। इसी तरह डब्ल्यू एच पैटर्न की भी कर सकते हैं। राम यहां कब आता है? व्हेन डज राम कम हियर। तुम कॉलेज क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो टू कॉलेज। मैं उसे कब पढ़ाता हूं? व्हेन डू आई टीच हिम। वह कार कैसे चलाता है? सो हाउ डज ही ड्राइव अ कार। तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हो? इन विच कॉलेज डू यू टेक एडमिशन। तुम उससे बात कहां करते हो? वेयर डू यू टॉक टू हिम। जैसे वह किसके लिए कोचिंग आता है? फॉर होम डज ही कम टू कोचिंग। जैसे वह यहां क्यों आता है? Why does he come here? तुम स्ट्रगल क्यों करते हो? Why do you struggle? राम मेहनत क्यों करता है? So why does राम work hard? तो इस तरह आप सेंटेंस बना बना के देख सकते हो। तो गाइस ये हमारा डूडस का पहला इस्तेमाल था, जहां पर हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझा। मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं पढ़ाना है, मुझे बताना है डूडस के इस्तेमाल। तो डूडस जहां भी इस्तेमाल होगा मैं आपको क्लियर करता चलूंगा कि यह डूडस का पहला यूज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में डूडस इस्तेमाल होता है, बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डूडस का इस्तेमाल होता है। तो ये पहला स्ट्रक्चर था जिसमें आपको मैंने डूडस का इस्तेमाल समझाने की कोशिश की। अगर प्रॉब्लम जाती है तो स्ट्रक्चर्स ये जो भी मैंने बताया, सेंटेंस जो भी बोले ना, उसको रिपीट का वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, तो आपको सभी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।